नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जुल्हन आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का सूप, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए पालक का पत्ता, अमूल फ्रेश क्रीम, एक मीडियम साइज टमाटर, बटर, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, काला नमक, नींबू, नमक और काली मिर्च। तो चलिए सबसे पहले आप पालक का सूप तैयार करने के लिए गैस डाल लेते हैं। अब हम पालक के पत्ते को कढ़ाई में डालेंगे। मैं इसको पालक के पत्ते को दो बार अच्छे तरीके से धो लिए हैं। हमने यहाँ पे डंठल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, पालक का पत्ता का ही उपयोग किया है। अब हम इस सारे पालक के पत्ते को कढ़ाई में डालेंगे। एक कप पानी डालेंगे, अदरक को काट के डालेंगे, टमाटर को भी हम बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लेंगे। और अब हम पालक को ढक के उबालेंगे। अब हमारे पालक, टमाटर और अदरक को उबलते हुए 6 मिनट हो चुका है। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से उबल चुकी है। चलिए अब यहाँ पे अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। हमने हाई फ्लेम में ही सारी चीज़ों को उबाला है और इसे ठंडा होने देंगे। अब हमारा पालक और टमाटर भी ठंडा हो चुका है, चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। अब हम यहाँ पे जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पे पालक और टमाटर का बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार कर लिया है, चलिए अब हम इसे छान लेंगे। अब हम पालक को छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसके सारी रेशे हैं अलग से हट जाए। इस तरीके से पालक को छानेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर पालक के रेशे अलग कर लिए हैं हमने छान के। अब हम चलिए अब हम इसे सूप तैयार करेंगे। चलिए अब हम सूप बनाने के लिए गैस ऑन करते हैं। इस पीसे हुए पालक को कढ़ाई में एक बार फिर से डालेंगे। अब हम इस पालक के पेस्ट में 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। इसी तरीके से बीच बीच में चला लेंगे और एक उबाल आने देंगे। अब हमारे पालक में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और आधा नींबू का रस। इन सभी चीजों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक के सूप को बिल्कुल ज्यादा समय के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे और हाई फ्लेम में पकाएंगे। अब हम इसमें बटर डालेंगे। आप बिना बटर का भी पालक का सूप तैयार कर सकते हैं। और इसे एक बार फिर से चारों तरफ से इस तरीके से चलाते हुए चलाएंगे। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच के लगभग क्रीम ऐड करेंगे और चला लेंगे। अब हमारा पालक का सूप है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर लेंगे। चलिए अब हम पालक के सूप को निकाल देते हैं। अब हमारा पालक का सूप रेडी हो चुका है और ऊपर से अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। अब हमारा पालक का सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की पालक के सूप की रेसिपी आपको कैसे लगी।